नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आज बात करने वाले हैं एक ऐसे खबर की जिससे आप सभी का वास्ता है। और आप में से कितने लोग हैं जितने जो ओपन पार्किंग को खरीदते हैं और कितने लोग हैं जो प्रेफर करते हैं कवर्ड पार्किंग। तो जो भी ये मेन मसला है इसके बारे में इस पूरे वीडियो में जिक्र करेंगे। दो मेन मुद्दे हैं जो इस वीडियो में हम आप तक कन्वे करना चाहते हैं, जो कि महारेरा ने जो है एक तरीके से नोटिफिकेशन जारी किया है और उसमें जो बातें कही गई हैं इस पूरे खबर में आपके सामने हम लोग रखने वाले हैं। पहली तो ये चीज़ कि क्या आप ओपन पार्किंग खरीद रहे हैं, यदि हाँ तो आप देखिए उसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। दूसरा ये टॉपिक है, अगर आप कवर्ड कार पार्क खरीद रहे हैं तो खरीदने के बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन में किस चीज़ का ध्यान रखना है ये भी इस वीडियो में जान लें। पहले मुद्दे की बात करते हैं जो कि महारेरा ने कहा है, वो ये है कि आप ओपन कार पार्क को ना बेच सकते हैं ना ही अलॉट कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म पे, यानी कि पैसे लेके ना आप उसे बेच सकते हैं ना अलॉट कर सकते हैं, क्योंकि ये है फ्री ऑफ FSI। आपको वर्डिंग बता देते हैं कि जो महारेरा की वर्डिंग है वो क्या कह रही है। पहले पॉइंट पे जो बात हो रही है वो कह रहे हैं ओपन पार्किंग एरिया आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ FSI, यानी कि वो बिल्डर को फ्री ऑफ FSI में प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसा आप यहाँ पे ओपन पार्किंग देख पा रहे हैं ये फ्री ऑफ FSI का पार्ट है, तो ये FSI इसमें कंज्यूम नहीं होता है, तो बिल्डर इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं ले सकता है। दूसरे पॉइंट पे क्या कहा जा रहा है, प्रमोटर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू सेल अलॉट ओपन पार्किंग एरिया फॉर मॉनेटरी कंसिडरेशन, जो हमने आपको बताया। तीसरे पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, ओपन पार्किंग एरिया गैराज एंड कवर्ड पार्किंग स्पेस शुड बी स्पेसिफिकली मार्क्ड एंड नंबर्ड एट द रियल इस्टेट प्रोजेक्ट साइट इन अकॉर्डेंस एज पर अप्रूव्ड सैंक्शन प्लान एंड टैग टू द अपार्टमेंट टू विच इट इज अलॉटेड। यानी कि अब इसमें सीधा सीधा क्या कहा जा रहा है कि अगर कवर्ड कार पार्क आपको बेचा जा रहा है तो उसका नंबर, फ्लैट का नंबर मेंशन किया जाना चाहिए आपके आपके एग्रीमेंट में, और उसका जो प्लान है वो भी अटैच किया जाना चाहिए। आगे क्या कहा जा रहा है, काफ़ी लंबे में इन्होंने चीज़ों को बताया है कि अगर आपको सोल्ड अलॉट किया जा रहा है तो जो दो मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे थे कि पहली चीज़ ओपन कार पार्क अगर आपको कोई भी दे रहा है तो उसका चार्ज मत दीजिए। अब कई बार ये होता है अगर ओपन कार पार्क आपको बिल्डर बेचता है तो वो जिक्र ही नहीं करता है, आपसे IDC के नाम पे पैसे ले जाते हैं या किसी अदर चार्जेस के नाम पे। तो आप ये चीज़ जो है डायरेक्ट बिल्डर से पूछिए, क्योंकि अगर वो ओपन कार पार्क दे रहा है तो आपके एग्रीमेंट में वो मेंशन नहीं कर सकता है ना तो पार्किंग नंबर, ना फ्लैट नंबर उस पार्किंग के अगेंस्ट, और ना ही उस पार्किंग का एरिया। लेकिन जो कवर्ड कार पार्क आपके फ्लैट के साथ दिया जा रहा है, जो कि बिल्डर आपको बेच सकता है, उसका कुछ अमाउंट आपके इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट चार्ज में जुड़ा हुआ है, अब यानी कि जो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, अब से जो भी फ्लैट आप लोग खरीद रहे हैं कवर्ड कार पार्क है तो उसका नंबर, उसका एरिया कितना है और वो कहाँ पर है, यानी कि बेसमेंट 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, स्टिल्ट पार्किंग है, ये चीज़ें मेंशन होना चाहिए और उसका पूरा मैप जो है आपके एग्रीमेंट टू सेल के साथ अटैच्ड होना चाहिए। तो ये मेन बात है, क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में दुविधा थी, हमारे पास भी कमेंट सेक्शन में सवाल जवाब के सीरीज़ में आप लोग पूछते थे क्या ओपन कार पार्क बिल्डर बेच सकता है, तो जवाब है नहीं। और ये महारेरा आते ही इन सब चीज़ों को क्लैरिफाई कर दिया गया था, लेकिन दोबारा इस क्लैरिफिकेशन को जारी किया गया है क्योंकि उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन थे, लोगों की तरफ से काफ़ी कंप्लेन ये आए हुए हैं कि ओपन पार्किंग के लिए चार्ज किया जा रहा है, कई बार कैश के फॉर्म में चार्ज किया जाता है, कई बार आपसे IDC के फॉर्म में, जैसे मैंने बताया इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट चार्ज के नाम पे। अब ये चीज़ें नहीं की जा सकती हैं। तो आप जब भी खरीद रहे हैं घर, यदि आपका कवर्ड कार पार्क है तो आप ये जरूर ध्यान दें कि उसका एरिया कितना है, क्या उसका नंबर है और वो कहाँ पे सिचुएटेड है, मैप पे कहाँ पे है, ये सारी चीज़ों का इंडेक्सिंग होना जरूरी है, डॉक्यूमेंट के साथ अटैच होना जरूरी है। तो जिनका भी एग्रीमेंट आने वाला है पेंडिंग, उन सब बातों का ध्यान दें। तमाम खबरें हम लोग और भी ला रहे हैं और इस सीरीज के माध्यम से, सौदागर न्यूज के माध्यम से हमारा प्रयास है कि आप तक रियल इस्टेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरें पहुंचती रहें। आप यदि इससे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये जानकारियां अपने जानने वालों तक जरूर भेजें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।